नमस्कार, किचन एडिया में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी व्रत स्पेशल है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू का हलवा। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इन्हें उबाल कर रख लिया है। हलवा बनाने के लिए इस तरह के चिकने छिलके वाले आलू का यूज़ करें, इससे हलवे का टेक्स्चर हल्का दानेदार आता है। आलू ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें छील लेंगे। सभी आलूओं को छील कर रख लिया है। अब इस तरह का एक बारीक ग्रेटर लेंगे और आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। हलवा बनाने के लिए हमेशा आलू को कद्दूकस कर लें, इससे इनमें गुठलियाँ नहीं रहती और ये अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। आलूओं को कद्दूकस कर लिया है, अब इन्हें साइड पर रख देते हैं। एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़े से काजू और बादाम डालकर इन्हें फ्राई कर लेंगे। काजू और बादाम फ्राई हो गए हैं, अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से किशमिश और पिस्ता। किशमिश और पिस्ता को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए इसे आखिर में डालें। सभी ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं, अब गैस को बंद कर इन्हें पैन में से बाहर निकाल लेंगे। अब इसी पैन में ही लगभग 100 ग्राम घी और ऐड कर लेंगे। घी गर्म हो गया है, अब कद्दूकस किया हुआ आलू हम इसमें डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम लो पर कर देंगे और धीमी आंच पर आलू को इस तरह से मैश करते हुए भून लेंगे। अभी आपको यहाँ पर घी की क्वांटिटी काफ़ी कम लग रही होगी और आलू बिल्कुल ड्राई लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आलू की भुनाई होगी आलू घी रिलीज करना शुरू कर देगा। आलू का हलवा बनाने के लिए हमेशा नॉन स्टिक पैन का यूज़ करें, क्योंकि आलू पैन की तली में बहुत जल्दी चिपकने लगता है। ध्यान रखें कि आलू को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भून लें, जिससे आलू का जो अपना फ्लेवर होता है वो इससे निकल जाए। आलू को चलाते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं और ये धीरे धीरे घी छोड़ना शुरू कर रहे हैं। इस समय हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप चीनी। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 5 चम्मच दूध की मलाई, इससे इसमें मावे जैसा ही टेस्ट आएगा। 3 चम्मच मिल्क पाउडर, अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर मलाई की क्वांटिटी को थोड़ा और बढ़ा दें। थोड़े से दूध में भीगे हुए केसर। अब इन सभी को चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखेंगे। यहाँ पर हलवा को हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे, जिससे चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और सभी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। हलवा लगभग रेडी है और यह घी छोड़ने लगा है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। ये हलवा बहुत कम सामान के साथ और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। देखिए, ये हलवा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और जब आप इसे खाएंगे ना तो ये बिल्कुल मुंह में जाकर घुल जाने वाली है। इस नवरात्र में आप भी आलू के हलवे की रेसिपी को ट्राई करें, आपको यह बेहद पसंद आने वाली है। साथ ही यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल किचन ATM को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।